हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेजीज फूड कोर्ट। आज हम हमारे फूड कोर्ट में बनाएंगे एक बहुत ही पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक तिल की चिक्की, जिसे हम बनाएंगे तिल और गुड़ से। देखिए, एक नज़र डालते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पे। तिल की चिक्की बनाने के लिए हमें लगेगा एक बाउल भर के वाइट तिल, जिसको हमने भून लिया है, रोस्ट कर लिया है। उसी बाउल, जिस बाउल से आप तिल ले रहे हो, उसी बाउल के मेजरमेंट से आपको गुड़ लेना है। गुड़ आप चाहे अपनी पसंद का ले सकते हो। पानी हम लेंगे हल्का सा, एक चम्मच जितना चिक्की में डालेंगे, और बाकी का पानी हम चेक करने के लिए लेंगे, यूज़ करेंगे गुड़ की चाशनी की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। और घी लेंगे एक चम्मच भर। जब ही हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा अच्छे से और गुड़ का एक पाई बन जाएगा, तभी हम एक चम्मच घी डालेंगे और उसके बाद तिल डालना है, तो इसके लिए हम घी लेंगे। तो ये हमारा इंग्रेडिएंट्स हो गया, और अभी हम देखेंगे कि तिल की चिक्की कैसे बनाते हैं। एक कढ़ाई में गुड़ लिया है और उसमें एक चम्मच में पानी डाल के अभी इसको हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। गैस फ्लेम ऑन है, जो अभी मीडियम है। एक बार ये गुठलियाँ जो है गुड़ की, वो टूट जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, फिर हम गैस फ्लेम को स्लो कर देंगे। अगर गुड़ की चाशनी को हाई फ्लेम पे करेंगे तो कुछ जगह पे गुड़ की गुठलियाँ रह जाएंगी और कुछ जगह पे चाशनी बन जाएगी, और फिर चिक्की का वो क्रस्ट बराबर नहीं बनेगा। इसके लिए पहले हमें गैस फ्लेम मीडियम रखनी है। एक बार गुड़ मेल्ट हो जाए फिर हम स्लो कर देंगे। अभी मेल्ट हो गया है गुड़, तो अभी हम गैस फ्लेम को स्लो कर देंगे। चिक्की के लिए गुड़ की कंसिस्टेंसी, यानी कि गुड़ किस कंसिस्टेंसी पे मेल्ट हुआ है, वो चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो आपको बीच बीच में हल्का सा जो गुड़ का मेल्टेड गुड़ है उसको पानी में डालना है, और एक बार वो फॉर्म हो जाए तो उसको तोड़ के देखना है। और दूसरी मेथड है, जब भी चाशनी बन जाएगी तो कढ़ाई के साइड में से आपको धुआं निकलता दिखाई देगा। अब जब ये धुआं बहुत ज्यादा निकलने लगे, तभी आपकी चाशनी तैयार है गुड़ की, तो उसी टाइम पे आपको तेल डाल देना है और गैस फ्लेम ऑफ करनी है। जब चाशनी में ऐसे बहुत सारे बुलबुले दिखाई देना शुरू हो जाए, तब आप पानी में डाल के चेक कर सकते हैं। अभी हम हल्का सा ड्रॉप डाल के देख लेंगे पानी में, हल्का सा ऐसे एक ड्रॉप डाल के देखेंगे, चेक करेंगे। तो भाई उसको पहले थोड़ा ठंडा होने दो, मतलब फॉर्म होना चाहिए। अभी फॉर्म ही नहीं हो रहा है, मतलब ये अभी टाइम लगेगा इसको। गैस फ्लेम को आप हमेशा मीडियम टू स्लो पे रखिए मेल्ट करने के टाइम पे, ताकि अचानक से वो कंसिस्टेंसी रिच ना हो जाए, फिर उसको वर्कआउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। को और एक ड्रॉप डाल के चेक करते हैं हम वापस से। ये देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी ये एकदम तले पे नीचे पक रहा है, अपने आप निकल गया है ना। तो अभी ये बनना शुरू हो गया है, पर अभी इसको तोड़ेंगे। जब मैं इसको तोड़ती हूँ ना, तो ये जैसे ना सिकुड़ जाता है, जैसे पास्ता की तरह, वो अच्छे से नहीं हो रहा है। मतलब अभी भी ये पेपरमिंट जैसे हम मुँह दांत से कट करता है ना, वैसे कट्टा आ जाना चाहिए। अभी ये बराबर बना हो सकता है। और दूसरा, अगर आप कढ़ाई में देखेंगे तो एकदम से धुआं निकलना शुरू हो जाता है है। और ये देखिए, ये कट भी बोल रहा है, अच्छे से कट बोल रहा है, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अभी हम इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच जितना घी डालेंगे और इसको हिलाएंगे, और अभी हम इसमें डालेंगे तिल। तिल डालते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। अभी गैस फ्लेम ऑफ करके कढ़ाई को दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर देंगे। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हल्का सा ठंडा हुआ है हमारा तिल और गुड़ का जो मिश्रण है, इसको हम प्लेटफॉर्म पे ले लेंगे। मैंने प्लेटफॉर्म पे अच्छे से घी लगा दिया है, और ये मेरा बेलन है जिसपे मैंने इसको घी से ग्रीस कर लिया है। तो आप चाहे तो बटर पेपर और प्लास्टिक लेके उसको कर सकते हैं, बेल सकते हैं, बट मैं इसी तरीके से करती हूँ। अभी पहले क्या करना है, इसका एक पेड़ा बना लेना है, मतलब एक राउंड सर्कल जैसा शेप देना है इसको। तो उसके लिए हम थोड़ा सा पानी वाला हाथ करेंगे, क्योंकि गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसको इसको ठंडा होके ज़्यादा नहीं बेल सकते, रूम टेम्परेचर पे आने से पहले इसको बेल लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हल्का सा ठंडा होने तक एक पानी वाला हाथ करके
इसके ऊपर थोड़ा सा हाथ से ऐसे पैटर्न करेंगे ताकि ये शेप में आ जाए। देखिए थोड़ा सा गर्म है, डायरेक्ट हम टच करेंगे तो गर्म लगेगा। इसके लिए हमें पानी वाला हाथ करके इसको जैसे एक बाउल भर के पानी लिया है, थोड़ा सा पानी वाला हाथ किया मैंने। अभी मैं उसको पानी वाले हाथ से ऐसे थप थप करके मतलब पैटर्न करके उसको स्प्रेड कर दूंगी, जैसे हम पिज्जा बेस नॉर्मली फैलाते हैं उसी तरीके से। और बाकी को पतला करने के लिए फिर हम बेलन यूज करेंगे। अभी मेरा जो ये बेलन है वो ग्रेस किया हुआ है, कोशिश करती हूँ बेलना। अगर ये चिपक रहा है एनी स्टेज पे तो आपको उसको थोड़ा ठंडा होने देना है, ये चीज आप याद रखिए। मतलब बहुत ज्यादा गर्म होगा तो चिपकेगा, वो बेलेगा नहीं अच्छे से। इसको पतला करते हैं काफी, जितना हो सके आप पतला करें। देखिए थोड़ा सा अगर बीच में टूटता है हाथ से उसको सेट कर सकते हैं। ये अभी भी गर्म है, लो आप डायरेक्ट हाथ से छू के ज्यादा देर तक उसको टच नहीं कर सकते हैं, उसी टेम्परेचर पे आपको इसको बेलना चाहिए। एक बार रूम टेम्परेचर पे आ गया तो ये बेलना मुश्किल हो जाता है। पतला हो रहा है ये, अभी जब ये ठंडा होने लग जाए ना तो आप थोड़ा ज्यादा प्रेशर देकर उसको बेल सकते हैं। ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, कड़क हो रहा है, तभी हम थोड़ा सा और प्रेशर देंगे पतला करने के लिए। आपको अगर थिक पसंद है तो आप उस हिसाब से बेलें। आई लाइक इट वेरी थिन, तो जितना पतला हो सकता है मैं करती हूँ। देखिए कोई पेपर, कोई प्लास्टिक, बटर पेपर, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको एक बार इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाता है तो आपका बेलन और आपका प्लेटफॉर्म वो इनफ है दिल की चिक्की बनाने के लिए, इतनी पतली से बढ़िया सी चिक्की बनाने के लिए। ये बहुत अच्छे से बेल गया है, अभी थोड़ा वेट करेंगे, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद एक तवेता लेके उसको निकाल देंगे। ये देखिए हल्का सा गर्म है, बिल्कुल भी ठंडा भी नहीं हुआ है, बट इस स्टेज पे ये निकल सकता है। आप एक एक बार ना एक स्पैचुला ऐसे डाल के देख लीजिए निकल रहा है कि नहीं। ये देखिए आराम से निकल रहा है, ये तो इस स्टेज पे आप इसको इस तरीके से निकाल के ये पूरा जो आपका सर्कल बना हुआ है इसके प्लेट में निकाल दीजिए और इसको थोड़ा और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद उसके पीसेस करने हैं। देखिए फ्रेंड्स ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है, अभी मैं इसके एकदम अच्छे से पीसेस करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से उसको तोड़ते जाइए और उसको पीसेस करते जाइए। ये देखिए फ्रेंड इतना अच्छा क्रस्ट बना है इसका, तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए है ना, कट आवाज आती है और टूट भी जाता है आराम से। तो ये तिल का चिक्की रेडी है।